कंगना रनौत के होम टाउन मनाली में उनका लग्जूरियस बंगलो विद अ व्यू ऑफ हिमाचल माउंटेन्स कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। इस बंगलो की कॉस्ट 30 करोड़ बताई जा रही है। इतना काफी नहीं था कि कंगना ने एक और प्रॉपर्टी पर 48 करोड़ लगा डाले, जहां उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया है। कंगना ने हाल ही में अपना स्टूडियो सेटअप करने को लेकर एक इंटरव्यू में बताया कि वो बहुत टाइम से ये स्टूडियो बनाना चाहती थी, पर रंगून और सिमरन जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उनके प्लान्स पर ब्रेक लग गया। और उसके कुछ टाइम बाद जब मणिकर्णिका से उनकी वापसी हुई और एक बार फिर से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर काम करना शुरू कर दिया। कंगना ने बताया कि हर कोई उनके इस आइडिया के अगेंस्ट था, यहाँ तक उनके पेरेंट्स और सिस्टर रंगोली भी, जिनका कहना था कि वो कोई अपार्टमेंट रेंट कर सकती हैं, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है। कंगना ने कहा कि वो ग्लास चैम्बर्स में काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिक फैब्रिक और प्लांट्स को चुना है। एक्ट्रेस का स्टूडियो जो एक बंगलो था मुंबई के हार्ट पाली हिल में है। कंगना के सीए का भी यही कहना था कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, पर कंगना कहाँ किसी की सुनने वाली है। कंगना ने ऑफिशियली अपने स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम उन्होंने मणिकर्णिका फिल्म्स रखा है। इस प्रोडक्शन हाउस पर उनके भाई अक्षत भी उनके साथ काम करेंगे।